हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज अपने गांव में आया हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना कोई मेरे भाई जो मेरे वीडियो देखते हैं तो उनको एक जानकारी दे दूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको लेडीज़ गार्ड। दोस्तों, लेडीज़ गार्ड की रिक्वायरमेंट होती है हमारे को चंडीगढ़ पंचकूला मोहाली। दोस्तों, मैं इनका नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ में ही जॉब करता हूँ मैं, इसलिए इन शहरों का नाम लेता हूँ मैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, बद्दी, पंजाब और हरियाणा, ज़्यादातर दोस्तों मेरे यहीं मेरे जानकार हैं। यहीं में अगर कोई मेरा भाई जॉब प्राप्त करना चाहता है तो इन्हीं दो स्टेटों में मैं आराम से लगा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इंडिया आपको पता बहुत बड़ा है, तो कहाँ कहाँ जा सकता हूँ मैं आपको खुद पता है। तो जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मैं आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लगाए दोस्तों, छोटी से लेकर बड़ी जॉब प्राइवेट सेक्टर में आराम से दिलवा सकता हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों मुद्दे की बात। लेडीज़ गार्ड की दोस्तों चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कोई स्कूल हो, कोई सोसाइटी है और कोई हॉस्पिटल है, कोई कंपनी है, तो इनमें लेडीज़ गार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। जो एक सिक्योरिटी गार्ड जेंट्स मेल काम करता है, वही लेडीज़ गार्ड के काम भी वही सेम ही होते हैं। दोस्तों, अगर सोसाइटी में जाए तो लेडीज़ गार्ड का तो काम होता है पहला मेन, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सोसाइटी में हर प्रकार के लोग होते हैं। देखो, तो वहाँ अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, मीडियम भी रहते हैं, सभी प्रकार के लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। तो दोस्तों आजकल आपको पता है कि सोसाइटी में इन आउट बहुत होता है। कोई मेरा भाई ऊबर कोई खाना मंगवा रहा है, कोई ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहा है, कोई फ्लैट किराए पे देने के लिए आ रहा है, कोई मेड आ रही है, कोई सफाई वाले हाउसकीपिंग वाले आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, बाहर से कोई और भी सोसाइटी का स्टाफ आता है, रिलेटिव आता है सोसाइटी में रहने वाले को। तो इन सब के जो भी मेरा भाई वहाँ गेट पर ड्यूटी करता है, लेडीज़ गार्ड हो या जेंट्स हो, तो वहाँ जो सोसाइटी में काम करती है लेडीज़ गार्ड, तो उसका काम भी ये होता है दोस्तों, को लेडीज़ आती है तो उसकी चेकिंग करना, उसका रजिस्टर मेंटेन करना कि किस फ्लैट नंबर में उनको जाना है, कहाँ से आई है, क्या गाड़ी में है, अगर गाड़ी में तो गाड़ी नंबर, व्हीकल अगर एक्टिवा पे स्कूटी पे है तो उसका नंबर नोट करना, ये भी एक लेडीज़ गार्ड का काम होता है। दूसरा दोस्तों, लेडीज़ गार्ड की वैकेंसी मैं आ जाता हूँ सैलरी पे। हॉस्पिटल में दोस्तों लेडीज़ गार्ड का बहुत मेन काम लेडीज़ गार्ड का होता है। मान लो दोस्तों जो लेडीज़ वार्ड रूम होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर लेडीज़ गार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना अदा करती है, क्योंकि दोस्तों डिलीवरी रूम होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ लेडीज़ भी एडमिट होती है, तो वहाँ लेडीज़ गार्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैंने देखा दोस्तों वहाँ लेडीज़ गार्ड ड्यूटी करती है। फोर्टिस हॉस्पिटल में दोस्तों मैंने जॉब की है, वहाँ पर 15 से 20 लेडीज़ गार्ड तीनों शिफ्टों में ड्यूटी करती थी और अब भी करती है। दूसरा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मैं बताऊँगा आपको लेडीज़ गार्ड के बारे में, कि लेडीज़ गार्ड की क्वालिफिकेशन दोस्तों 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है लेडीज़ गार्ड के लिए, और लेडीज़ गार्ड की ड्यूटी नाइट में भी हो सकती है, डे में भी हो सकती है। 80% दोस्तों मैंने डे में ही ड्यूटी देखी है, हॉस्पिटल वगैरह में लेडीज़ गार्ड नाइट में भी ड्यूटी करती है, पर डे में मैंने 80% कोई कंपनी, फैक्ट्री, सोसाइटी या स्कूल में मैंने डे में ही एक लेडीज़ गार्ड को देखा है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आ जाता हूँ मैं सैलरी पे। लेडीज़ गार्ड की सैलरी भी दोस्तों सेम होती है। यहाँ चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, बद्दी में बता दूँ, पंजाब में, हरियाणा में आपको एक लेडीज़ गार्ड की ड्यूटी 12,000 से लेकर दोस्तों 15,000 के बीच में एक लेडीज़ गार्ड की ड्यूटी होती है, सॉरी सैलरी होती है। और उसका जो ड्यूटी का टाइम होता है दोस्तों, मैंने ज़्यादातर देखा है सोसाइटियों में एक जेंट्स गार्ड की ड्यूटी होती है 12 घंटे की, लेडीज़ गार्ड की ड्यूटी 12 घंटे की भी होती है, 10 घंटे की भी होती है, और 8 घंटे की ड्यूटी भी एक लेडीज़ गार्ड की होती है। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन नंबर डाल दूँगा, अगर कोई लेडीज़ गार्ड की ड्यूटी करना चाहती है कोई लेडीज़, तो वहाँ से नंबर आप बात कर सकते हो, आपको फ्री जॉब मिलेगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट मैं आ जाता हूँ दोस्तों कंपनी। देखो, कोई भी अगर दोस्तों लेडीज़ गार्ड किसी भी कंपनी में काम करती है, उसको वही सारी फैसिलिटी मिलती है जो एक मेल को मिलती है, मेल गार्ड को मिलती है, वही फीमेल गार्ड को मिलती है। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया दोस्तों, लेडीज़ गार्ड की ड्यूटी बता दी। अगर कोई लेडीज़ गार्ड ड्यूटी करती है, उसको कंपनी तरफ से ड्रेस दी जाती है, तो उस ड्रेस के पैसे भी दोस्तों कंपनी काटती है, वो 2-3 किस्तों में उसकी सैलरी से पैसे डिडक्ट कर देती है। कुछ कंपनियाँ पैसे एडवांस भी लेती है और बाद में पैसा कुछ उसका नहीं कटता है। ये थी दोस्तों की लेडीज़ गार्ड की ड्यूटी के बारे में मैंने मेन आपको बात बताई है। अगर स्कूल में लेडीज़ गार्ड ड्यूटी करेगी तो वहाँ उसकी ड्यूटी अलग प्रकार की होगी, अगर सोसाइटी में करेगी वहाँ अलग प्रकार की ड्यूटी होगी, अगर हॉस्पिटल में करेगी वहाँ रूल एंड रेगुलेशन अलग हो गए, कंपनी में करेगी वहाँ अलग हो गए। दोस्तों ये एक जानकारी मैंने आपको दी है लेडीज़ गार्ड की ड्यूटी के बारे में, जॉब के बारे में। मैंने दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, एज मैंने बता दी दोस्तों 18 से लेके
कम से कम 40 साल तक के एक लेडीज सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी आराम से मिल सकती है, उसको कर सकती है। और ड्यूटी 12 घंटे की भी होती है, 10 की भी होती है, 8 की होती है। यदि दोस्तों की वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।